विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कल इंडिया अलायंस का मीटिंग है और हम लोग एकजुट होके जितना दूर तक जाए हम लोग प्रतिबद्ध में शामिल होंगे सब मिलके ऑल एलिस पार्टीज ऑफ इंडिया विल बिकम क्लोजर टू इच अदर आफ्टर दिस इंसिडेंट राजीव रंजन जी एक संजीवनी मिल गई है इंडिया को जी देखिए इंडिया के पास तो जनता ने ही संजीवनी दे दी है जो इन तीन राज्यों के चुनाव नतीजों से पूरे देश में एक उन्माद का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है उनके चेहरे पर जो अहंकार दिख रहा है उन्हें ये समझना होगा कि देश के दो हिस्सों ने उन्हें पूरी तरह से इसी चुनाव में नकारा भी है नॉर्थ ईस्ट और साउदन इंडिया में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्ति के कगार पर है अब देखिए अब सवाल यह है कि आप तीन राज्यों में वहां लोकसभा की सीटें आपकी सेचुरेशन पॉइंट पर है उससे ज्यादा तो आपकी हो नहीं सकती थी और नतीजों को लेकर के जो एक वातावरण बना मैं कंपेयर कर रहा हूं एटी राजीव गांधी जी को चार सौ थे और तिरसठ एम का सस्पेंशन हुआ 89 में उसी के बाद जो देश का चुनाव हुआ और वहाँ कांग्रेस की एक बड़ी हार हुई आज आपके पास भी एक प्रचंड जनादेश है और शायद आपको ये घबराहट है कि आप 2024 में नहीं लौटेंगे ये जो असुरक्षा का भाव है वो कहीं ना कहीं ये संसदीय लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आपको विवश कर रहा है मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में 150 से ज़्यादा सांसदों को आपने सस्पेंड किया और अकेले इस सत्र में आपने बानवे लोगों को सस्पेंड कर दिया देखिए ये हताशा और बौखलाहट है कुछ चीजों को ट्रेजरी बेंच अगर चाहे तो टकराव को टालने के लिए निसंदेह हमारी मांग क्या थी अमित शाह जी संसद में आए अपना बयान दे और तब तक कार्रवाइया शुरू हो गई थी ये टकराव की स्थिति नहीं होती वो आते और वो बोलते कार्रवाई हो रही है लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जांच हो रही है इतनी बात कहने से उनकी प्रतिष्ठा नहीं चली जाती लेकिन ये पूरा टकराव का जो वातावरण है भारतीय जनता पार्टी स्वयं बनाती है जिससे वो लोगों को आतंकित कर सके ये बहुमत का आतंक है छाता है पहले विवेक मर जाता है 89 पैरेलल्स बीइंग ड्रॉन, गुरु प्रकाश, बहुमत का आतंक हम मैं सुन रहा था वरिष्ठ नेता हैं हमारे राजीव जी मैं बस दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में हम खत्म हो गए हैं असम में हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा जहां तक मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के हैं त्रिपुरा में मुख्यमंत्री मानिक जी जहां तक मेरी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के हैं मेघालय में हमारी अलायंस की सरकार है सीएम है कोनराड संगमा जी नागालैंड में हमें, हमें सिक्किम में हमें अरुणाचल प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है पेमा खांडू जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तो ये कह देना कि नॉर्थ ईस्ट से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है मैं कहीं कुछ हद तक तथ्य इस तरफ इशारा नहीं करते हैं दक्षिण की बात करते हैं दक्षिण में पाण्डिचेरी में भारतीय जनता पार्टी और एनआर कांग्रेस की साथ में गठबंधन की सरकार है तेलंगाना में हमारे चार मेंबर है कर्नाटक में हमारे उन्तीस है देश की वित्त मंत्री तमिलनाडु की है देश के विदेश मंत्री तमिलनाडु के हैं तो यह कह देना कि दक्षिण में उत्तर पूर्व में यह फॉल्ट लाइन की पॉलिटिक्स होती है और हम लोग इससे ताल्लुक नहीं रखते नंबर एक Number two, what Mahua has said, you know, Padmaja, we have debated it on multiple occasions. What Mahua did was an insult okay, to the Okay, respond to what he's saying. Tyranny of majority. Spartan what Mahua did shared her. Tyranny of majority. You have a brute majority. majority, you are <inaudible> now terrorizing the opposition. Hollow words. It is the people of India.

This is the proper case of Angur khatte of the opposition leader. When you are not getting the majority, you are saying that a tyranny of majority. Hai. Arre, there are institutions, there is check and balances theory, there is a separation of power in the constitution of India. And Padmaja, just allow me last 10 seconds. I would like to remind my friend from the TMC what our first prime minister, Honorable Prime Minister Jawaharlal Nehru, said in his letter to the chief ministers on 4th of October 1951. He said, and I quote, if once. If once the reputation of our legislatures goes down, the democracy itself will be in peril. therefore the reputation of these legislatures as also of our services must be strictly guarded and any misbehavior should lead to inquiry and action. okay so